बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। लोगों का यहाँ पे क्राउड भी देख रहे हो आप, लोग बड़ी खुशी से जो स्वागत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे ऊंची है और इस वक्त जो है जीत की कगार पे खड़ी है। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये एक आपको ताजुब होगा कि जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को तो लोग हैरान हो जाएंगे। लोग हमारी फेवर में हैं, जिस दुकान पर जाएँ, जिस घर में जाएँ, वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आए। हम तो इंतज़ार में थे कि कब आएंगे, हम आपको सर आँखों पर उठाते हैं। परेशानियां तो आपके सामने शहर की छुपी नहीं, आपसे भी परेशानियां बहुत हैं। यहाँ सड़कों की हालत खस्ता है, नशा यहाँ बहुत हुआ पड़ा है। हर महीने में 5-6 मौतें सिरसा जिले में हो रही हैं, ये पोजीशन है। तो आम आदमी पार्टी ऐसी परेशानियों को जड़ मूल से ख़त्म कर, 8 दिन का समय पड़ा है, 8 दिन बहुत है हमारे लिए। पंजाब के अंदर लास्ट 15 दिन के अंदर, 15 दिन पहले ये कह रहे थे कि 20-25 सीट आएंगी, मगर जब बॉक्स खुले थे ना तो 92 सीट आई थी, लोग हैरान हो गए थे। यहाँ भी वही होने जा रहे हैं। मान सकते हैं पंजाब का झाड़ू फिर से हरियाणा में चलेगा? बिल्कुल, पंजाब का झाड़ू क्या है यहाँ, हरियाणा के झाड़ू भी इतना मजबूत बन गया हरियाणा का झाड़ू कि देखो तो सही आप कैसे चलता है, गंदगी की सफाई करने जा रहे हैं। हमारे पंजाब में, हम पंजाब से आए हैं, पंजाब में 117 सीटों थी जिसमें से 92 जिताकर विधानसभा में भेजे। अब यहाँ के हरियाणा का 90 की सीटें हैं जो लगता है कि जनता मुंह पे तो नहीं बोलती, उतावले हैं, लेकिन यहाँ पे बदलाव लाने के लिए उतावले हैं, क्योंकि जो जहाँ की गुंडागर्दी और विकास को लेके कोई इतने अच्छे काम नहीं कर पाए, पहले वालों को लोग गिराना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। क्योंकि हम जा रहे हैं, जा के पता कर रहे हैं, वोटों के लिए बोल रहे हैं उनको, वो इससे पहले यही बोलते हैं कि अब की बार जो केजरीवाल जी हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपने देखा ही है, उसको जेल में डाला गया, इसके बाद उन्हें जेल के डाल मिलने के बाद भी उनका जो विरोधी थे उनका ये लग रहा था कि अपने घरवाली को वो इस बार सीएम बनाएंगे, पर लेकिन नहीं, उनने आतिशी जी को बनाया, कितना अच्छा काम किया वहाँ पे। देखो तो सिरसा की स्थिति मैडम क्या देखते हैं आप? सिरसा की स्थिति है जो हम तो घर घर जा रहे हैं, यहाँ पे पता कर रहे हैं, लग रहा है कि लोग खूब उतावले हैं, वो बोल रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी लेके आएंगे। बिल्कुल बदला जाएगा मैम, ये तो देखना आप, चौके पे छक्का लगेगा जरूर। हम पंजाब से आए हैं लड़के, यहाँ पे भी हमारे तो इतना बदलाव किया, यहाँ पे भी होगा, जो कहा वो किया, यहाँ पे भी होगा। नागर हल्का कानावाड़ी से मैं प्रधान हूँ। मैं ये कहती हूँ कि आज तक जो सिरसा में राजनीति होती आई है, मुद्दा विहीन राजनीति होती आई है, एक आज के समय में आम आदमी पार्टी आएगी जो मुद्दों को लेके आएगी, आम लोगों के मुद्दों के बारे में बात करेगी। आज तक सिरसा में जो भी राजनीति हुई है, बड़े बड़े घरानों के बीच में राजनीति हुई है, पर हम आम आदमी पार्टी वाले आम आदमी की एक राजनीति लेके आएंगे और हर घर में समस्याओं को सुलझाएंगे और हर एक का समाधान भी करेंगे और आम आदमी पार्टी की सिरसा में जड़ बनाएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल आएगा जी, वो धुरेंद्र की बात कर रहे थे, पंजाब में बादलों से बड़ा कोई धुरेंद्र नहीं था, वो सारे खुंजे लगा दिए और यहाँ वाले भी लगेंगे। और हमारे हलका में, जो हमारा हलका है, पथौड़ हलका है पंजाब में, हम आए हैं, पंजाब से आए हैं, इनकी सपोर्ट में आए हैं। पंजाब में जो काम हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। जहाँ तक धुरेंद्रों की बात करी जा रही है, वहाँ पर चरणजीत चन्नी जो एक हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया, पर एक मोबाइल पेयर करने वाला हमारा MLA सरदार लाभ सिंह गुग्गू ने उसे हरा दिया और बड़ी बहुत गिनती पे हराया। और ऐसे तो धुरंधरों को बड़े बड़े मुख्यमंत्री हार गए, सुखबीर बादल जैसे और कैप्टन जैसे हार गए, ये धुरंधरों की बात नहीं होती, बात है ईमानदारी की। केजरीवाल की सरकार है जो एक ईमानदार सरकार है, बदलाव 100% क्लियर है, बदलाव